इस सेशन के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा डाटा Microsoft Excel के अंदर मौजूद हो और हम उसे Microsoft Access के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हों तो वो किस तरह से हो सकता है, और अगर इसी तरह से Microsoft Access के अंदर डाटा मौजूद है और मैं उसे Excel के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से करेंगे। तो ऐसा करने के लिए पहले हम मैं Excel की एक फाइल ओपन कर लेता हूँ और आपको एक डमी फाइल यहाँ पर जो मैंने क्रिएट की हुई है वो डमी फाइल बेसिकली मैं Microsoft Access के अंदर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं एक छोटी सी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट की हुई है और उसको जस्ट मैंने क्लोज किया, देन Microsoft Access में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। ब्लैंक डेटाबेस का नाम मैं यहाँ लाइक फार्मूला ही रख देता हूँ क्योंकि मेरी एक्सेल की जो फाइल है उसका नाम फार्मूला है। ये कोई लाजमी नहीं है कि आप फाइल का नाम सेम रखें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसका नाम सेम ही रखा है। देन इसके बाद क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक टेबल से रिलेटेड फील्ड्स हमारे पास आ रही है तो हम इस वक्त इस टेबल को क्लोज करते हैं और फिर चले जाते हैं एक्सटर्नल डाटा के टैब के अंदर। एक्सटर्नल डाटा के टैब के अंदर हम इंपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। चूंकि हमें डाटा एक्सेल से चाहिए इसलिए हम एक्सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो कहता है स्पेसिफिक द सोर्स ऑफ द डाटा, आपकी फाइल जो है वो कहाँ मौजूद है उसकी लोकेशन आप बता दें। तो हम लोकेशन के लिए ब्राउज में चले जाते हैं और यहाँ पर मेरी फाइल डेस्कटॉप पे फार्मूला 1 के नाम से मौजूद है, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया। देन फाइनली मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये पूरा पाथ यहाँ पर आ गया, लाइक ये मेरी फाइल यहाँ पर मौजूद है। देन इसके बाद हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद डाटा जो भी एक्सेल के अंदर मौजूद था उसकी एक समरी या उसकी डिटेल यहाँ पर मुझे वो दिखा रहा है। इस डाटा को हम स्क्रॉल करके रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ पर डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल बार मौजूद है जिसको मैं यूज करके अपने डाटा को रिव्यू कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे कहता है कि यहाँ पर जो शीट्स अवेलेबल है वो दो शीट्स हैं, शीट 2 है और शीट 3, दो शीट्स मौजूद है तो किस शीट से डाटा मुझे चाहिए। मेरी शीट 3 इस वक्त ब्लैंक है, ऑलरेडी मुझे यहाँ नजर आ रही है शीट 2 पर डाटा मौजूद है तो डेफिनेटली हम शीट 2 को ही सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देन उसके बाद कहता है कि फर्स्ट रॉ कंस्टेंट कॉलम हेडिंग, यानी जो फर्स्ट रॉ पर डाटा मौजूद है उसको एज अ हेडिंग वो क्रिएट कर दे। तो हमें यहाँ पर उसने एज अ हेडिंग क्रिएट किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता इसलिए मैं इस चेक को हटा देता हूँ। फाइनली हम अपने तमाम रिकॉर्ड्स यानी रॉ में एज अ हेडिंग नहीं यूज करना चाहते, हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल फील्ड के नाम और उसकी डाटा टाइप यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट फील्ड है मेरी, यहाँ इसका नाम कुछ नहीं आ रहा, फील्ड 1 आ रहा है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आइटम, और आइटम की जो डाटा टाइप है वो मेरे पास टैक्सी है। देन दूसरी फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया और सेकंड फील्ड पर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक अमाउंट 1, और अमाउंट 1 की डाटा टाइप को भी एज अ टैक्सी मैंने बना दिया। देन फील्ड 3 और देन फील्ड 4 और इस तरह से हम तमाम फील्ड के जो भी नाम और उसकी जो भी डाटा टाइप हम यहाँ पर सेट करना चाहें वो बारी बारी तमाम भी सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें कहता है कि क्या किसी फील्ड को एज अ प्राइमरी की क्रिएट करना है, तो अगर हम प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है, लेट्स एक्सेस द प्राइमरी की और आईडी की एक फील्ड खुद से क्रिएट कर दी। अगर हम अपनी मर्जी से प्राइमरी की फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल फील्ड में से जिस भी की फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं बनाना चाहते तो नो प्राइमरी की को हम सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त मैं कोई प्राइमरी की नहीं बनाना चाहता इसलिए मैंने यहाँ पर नो प्राइमरी की डिफाइन किया और देन उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद कहता है कि मैं शीट 2 से बेसिकली डाटा को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है और फाइनली हम इसे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हमसे कहता है कि क्या इंपोर्ट के स्टेप्स को सेव करना है, अगर सेव करना है तो हम चेक लगाएंगे और ये सेव किस नाम से कर रहा है वो हमें बताएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप चेक को अनचेक कर दें और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे।
वो सारा डाटा हमारे पास इस टेबल पे इंपोर्ट हो गया। इसको चेक करना चाहते हैं तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि जो भी डाटा हमारे पास एक्सेल के अंदर मौजूद था वो सारा डाटा यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये एक आसान सी टेक्निक जिसके जरिए हम एक्सेल के किसी भी डाटा को एक्सेस होगा। फील्ड के नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अनवांटेड रोज अगर आपको लग रही है आप उसको राइट क्लिक करें, उसे डिलीट करें। ये सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ओके उन तमाम चीजों को याद रखेंगे और उस पर काम करेंगे। सेकंड पेज के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारा डाटा एक्सेस के अंदर मौजूद है और हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो वो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए मैं इस ओरिजिनल डेटाबेस को यानी फार्मूला की डेटाबेस को क्लोज कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि हमने पहले स्कूल की डेटाबेस पर काम किया था, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट डिटेल की का एक टेबल मौजूद है। उस टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स मेरे पास है मैं उस रिकॉर्ड को बेसिकली एक्सेल के अंदर जो है वो ले जाना चाहता हूँ। तो मैं इस टेबल को डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेता हूँ, तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है। अब इन तमाम रिकॉर्ड्स को मुझे बेसिकली एक्सेल पर लेके जाना है। तो ऐसा करने के लिए हम एक्सेल डाटा के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोर्ट की कमांड पे आने के बाद हम चूंकि डाटा एक्सेल पर ले जाना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ से एक्सेल सिलेक्ट किया। एक्सेल में ये कहता है कि फाइल को वो लोकेशन हमें डिफाइन कर रहा है, किस लोकेशन को वो सेव करेगा और किस नाम से सेव करेगा। तो पर्सनल डिटेल के नाम से ही एक्सेल की एक फाइल क्रिएट कर रहा है, वहां ये सेव करेगा। एक्सेल के डिफरेंट वर्जन सपोर्ट कर रहा है, अगर आपके पास ऑफिस एक्सेल 2007 नहीं है और 2003 है, 95 है, पुराना वर्जन है, तो आप यहाँ से वो वर्जन चूज कर सकते हैं। देन फाइनली हम इसे ओके करते हैं। ये डाटा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर हम इस एक्सपोर्ट के स्टेप को सेव करना चाहते हैं तो हम सेव कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो चेक हटाकर फाइनली इसे क्लोज करते हैं। और हम अपनी एक्सेल को इस वक्त हम क्लोज करते हैं और चेक करते हैं कि डेस्कटॉप पे पर्सनल डिटेल के नाम से इसने एक फाइल क्रिएट कर दी है। हम इस एक्सेल की फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली वो तमाम डाटा जो कि हमारे एक्सेस के अंदर मौजूद था वो आसानी से एक्सेल में इंपोर्ट हो गया।